भारत एक नई सोच को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और आप तक वीडियो जल्दी से जल्दी पहुंचे इसलिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। मैं हूं पल्लवी राय और भारत एक नई सोच में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, क्योंकि चुनाव का माहौल पूरे देश में गर्मा गर्मी से चल रहा है, तो मैं आज आपको संत कबीर नगर के कुछ गाँवों में घुमाऊंगी और आपको ये बताने दिखाऊंगी कि माहौल क्या है। तब अभी हम संत कबीर नगर में पहुंचे हैं, तो मैं आपको कुछ बता देना चाहती हूँ संत कबीर नगर का इतिहास। तो संत कबीर नगर का जो नाम पड़ा है वो संत कबीर जी के कार्यों से पड़ा है। अब मैं उनके जीवन की कुछ बातों को बताऊं, तो संत कबीर नगर का नाम सिर्फ इसलिए पड़ा है क्योंकि कबीर जी जिस समय हमारे देश में थे उस समय एक भ्रांति फैली हुई थी कि अगर कोई मगहर में मरता है तो अगले जन्म में वो गधा बनता है। और इस भ्रांति को तोड़ने के लिए संत कबीर जी जो है वो यहाँ पे आए और यहाँ पे उन्होंने अपनी समाधि ली थी, तो इस वजह से जो है वो संत कबीर नगर यहाँ फेमस है। तो मैं आपको दिखाऊंगी वो जगह, आइए आपको दिखाते हैं। यहाँ ये जगह जो है वो इसलिए भी मुख्य हो जाता है क्योंकि यहाँ पे मंदिर और मस्जिद एक साथ है। हमारे देश में हिंदू मुस्लिम का मसला बहुत जोरों शोरों से दिखता है और यहाँ पे जो है वो हिंदू और मुस्लिम एक साथ नजर आते हैं। अगर आपका ध्यान जा रहा होगा तो आप देख रहे होंगे कि इस साइड जो है वो मंदिर है और इस साइड जो है वो मस्जिद है। मस्जिद को जो है वो हरे रंग से रखा गया है और जो मंदिर है वो लाल रंग से रखा गया है। रंग की बात है। अब मैं आपको दिखाऊंगी अंदर चल के कि कैसे मंदिर और मस्जिद एक साथ है। और कबीर जी की कहानी है कुछ ऐसी है कि उनकी जो लाश थी वो गायब हो गई थी और वहाँ से दो गुलाब के फूल मिले थे। आइए आपको दिखाते हैं, दिखाएंगे मंदिर और ये भी दिखाएंगे कि कैसे मंदिर और मस्जिद एक पास होके ये दिखाता है कि हमारा जो देश है वो आज भी धर्मनिरपेक्ष बना हुआ है। आइए मेरे साथ, ये देखिए लिखा हुआ है कबीर चौरा और यही है समाधि स्थल। और ये एक बड़ा और ये एक फोटो है जिसमें कैसे नीरू और नीमा जी लेके आए थे कबीर जी को। एक छोटे बच्चे जो थे वो यमुना नदी के किनारे मिले थे कबीर जी और उनको ये लोग लाए थे और पालन पोषण किए थे। और यही एक प्रॉब्लम बनी थी क्योंकि कबीर जी जो थे वो हिंदू थे और उनका पालन पोषण जो है वो मुस्लिम लोगों ने किया था, इसलिए उनके लाश को लेके प्रॉब्लम होने लगी थी। हिंदू कह रहे थे हम जलाएंगे और मुस्लिम कह रहे थे हम दफनाएंगे। तब ये एक मंदिर है जो एक तरफ मंदिर और दूसरी तरफ मस्जिद, ये बात आज भी प्रूफ करता है कि हमारा देश जो है वो धर्मनिरपेक्ष है। और आज भी इस मंदिर को देख के एक सवाल तो उठता ही होगा कि जब हमारे देश में चुनाव का माहौल बनता है तो हर बार हिंदू मुस्लिम का मुद्दा आ जाता है, तो हमें इन लीडर्स को दिखाना चाहिए कि ये एक सच्चा दर्पण है जो आज भी ये दिखाता है कि एक तरफ मंदिर और एक तरफ मस्जिद, कि हम अभी भी हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदू मुस्लिम में नहीं बटेंगे। आइए मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखाती हूँ इस मंदिर की खूबियाँ। ये वो स्थान है जहाँ अंतिम दिनों में समय गुजारे थे। अब एक दो दोहे मैं उनको उनकी आपको सुनाती हूँ। एक उनका दोहा जो मुझे याद है, एक दोहा था उनका, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना कहूँ से दोस्ती और ना कहूँ से बैर। इस तरह की जो बातें हैं वो निकल के आती हैं। ये कबीर जी का जो है मंदिर है और अभी मैं आगे आपको मस्जिद भी दिखाऊंगी और ये हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हिंदू और मुस्लिम एक साथ, हमारी संस्कृति रही है कि हम हमेशा हिंदुस्तानी की बात करते हैं, हम हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते हैं। उनसे पूछना चाहती हूँ, ये बताइए पंडित जी, जब यहाँ दई महाराज जी जब यहाँ कोई आता है तो क्या यहाँ पे सिर्फ हिंदू ही दार्शनिक आते हैं कि मुसलमान लोग भी आते हैं? सभी धर्म के लोग यहाँ आते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म के लोग यहाँ पे आते हैं दर्शन करने। कबीर ऐसे एक संत हुए जो ना हिंदू को मानते थे ना मुस्लिम को मानते थे, भाईचारा का नाता है, इसलिए सभी लोग यहाँ दर्शन करते हैं। सभी लोग आते हैं, तो जैसे कोई मुस्लिम आता है तो क्या वो मतलब मंदिर में आने से लोग मुस्लिम लोग परहेज करते हैं, तो यहाँ पे ऐसा दिखता है कि नहीं? नहीं, ऐसा नहीं दिखता है। और अगर हिंदू आते हैं तो वो मस्जिद में जाके दर्शन करते हैं कि जी माथा टेकते हैं? जैसे कि एक भ्रांति है मैं बताना चाहती हूँ, वैसे कबीर जी अपने जीवन काल में भ्रांति ही तोड़ते रहे। उन्होंने कहा था कि अगर पत्थर पूजने से हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, इस तरह की बातें वो क्या रहते हैं। और उन्होंने मुसलमानों के लिए कहा था कि अगर चिल्लाने से अल्लाह मिल जाते हैं, ऐसी बातें वो क्या रहती हैं क्योंकि लाउड स्पीकर पे सुनाया जाता है कुरान। तो मुझे ये बताइए, हमारे यहाँ हिंदुओं की भ्रांति है कि मुसलमान लोग नहीं जाते हैं, हिंदू लोग नहीं जाते हैं मस्जिद में,
तो क्या यहाँ की जो मस्जिद है वहाँ पे हिंदू लोग जाते हैं कि अभी यहाँ पे भी परहेज करते हैं? जानते हैं, जाते हैं, जाते हैं बहुत संख्या में। तो क्या लगता है आपको, जब यहाँ पे कोई लोग आते हैं, जैसे कोई भी भक्तजन यहाँ पे आते हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो मैसेज जो कबीर जी देना चाह रहे थे कि हम हिंदू मुस्लिम एक हैं, वो यहाँ पे मिल पाता है लोगों को कि नहीं? वो मिल पाता है, एकता का संदेश पूरा विश्व में, मगर एक ऐसा धाम है जो ये एकता का संदेश पूरा विश्व में जाता है, वो चीज़ दिखता। पिछले वर्ष 28 जून को प्रधानमंत्री जी भी आए थे और मस्जिद में भी आए और मंदिर में भी आए, दोनों जगह एकता का संदेश देने का काम किए, वो अभी भी जीवित है। यहाँ की जो विशेषता है वो आज भी जीवित है, आप यहाँ के भक्त हैं जी, दर्शन कर। मैं दिनेश कुमार गुप्ता हूँ, ये हमारे मित्र हैं, पंजाब से अमृतसर से आए हैं, जबकि सिख धर्म को मानने वाले हैं, ये यहाँ मजार पे भी आए हैं, मजार पे भी गए हैं और मस्जिद में भी गए और यहाँ पर भी मत्था टेका है। तो मैं हिंदू हूँ, ये सिख हैं, फिर भी हम लोग यहाँ आते हैं। ये जो हमारे जितने लोग हैं उनमें जातिवाद धर्मवाद नहीं होता, ये नेता लोग पैदा करते हैं। नहीं तो आज ये सिख धर्म अमृतसर से आते जी, इन्होंने कहा ये मुझे कबीरदास जी के दर्शन करने आना है, ये मंदिर में भी आए हैं तो मस्जिद में भी इन्होंने मत्था टेका है, वहाँ टेका है। तो ये आप ये जान लीजिए, इनसे खुद पूछिए इनके क्या भाव बताइए। जैसे कि हम अगर पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में गोल्डन टेम्पल एक बहुत आकर्षक स्थल माना जाता है, वहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, तो वहाँ पे पंजाब में तो ऐसा हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई वाला मसला नहीं नजर आता है। तो जब आप यहाँ पे आए तो आपको कैसा लगा, की विभिन्नताएं देखने को मिली, कैसा लगा? मेरे को गुप्ता जी ने बताया कि इसे कबीर जी का धर्म का मंत्र स्थान है, मैं इनको रात ही बोला सी भी मेरे को दर्शन करवा के लेना, क्योंकि हम गुरबाणी में शुद्ध शब्द उनके सुनते हैं, इस करके सानू को बहुत अच्छा लगा, जो उनके शब्द हैं वो तो हमारे रो रो में भी बसते हैं, तो गुरु ग्रंथ साहब में तो पता नहीं किन्ने दर्ज हैं शब्द इनके, इस करके हमें रात भी बोला भी मेरे को जब टाइम लगेगा आपका फैक्ट्री से निकाल के तो दर्शन करवा के लेना। वह आप क्या कहना चाह रहे हैं कि आपका जो गुरु ग्रंथ है उसमें भी कबीर जी के दोहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, दोहे शब्द हैं जी, महाराज गुरु ग्रंथ गुरु गोबिंद सिंह जी ने जिन्होंने शब्द दर्ज करवाए ने नाल इन्हां दे जे सच्ची श्रद्धा दे नाल शब्द ने, वो बिल्कुल अज गुरु ग्रंथ साहिब दे विच शब्द दर्ज ने। अगर मेरे दर्शक पंजाबी नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि मेरी पंजाबी भी बहुत अच्छी नहीं है, मैं बहुत दिन रह नहीं पाई पंजाब में, लेकिन सर का कहना ये है कि कबीर जी की कुछ दोहे कुछ शब्द जो है वो उनके जो ग्रंथ है उसमें है गुरु नानक साहब के, ये बताइए कैसा लगा मंदिर में आके? मंदिर में आके बहुत खुशी हुई, हम तो इतने भाग्यशाली मानते हैं कि भाई इन्होंने हमको खींचा है, हमको काम करने का जवाब भी दे दिया था कि हम सिख धर्म में जाते हैं, जहाँ पर जाते हैं हमें बहुत अच्छा लगा था, जितना भी कह दे हम अपने मन में खुशी हुई पूरी, अच्छा लगा। अच्छा बताइए, जब आप यूपी में आए होंगे, यूपी में जैसे ही आप एंट्री किए होंगे वहाँ आपको वेशभूषा से ही पता चलता है, जैसे हमारे यहाँ एक वेशभूषा है, माफ़ कीजिएगा मैं यहाँ किसी जाति विशेष के बारे में नहीं कहना चाहती, पर हमारे यहाँ एक वेशभूषा बनी है, जो मुस्लिम है वो कुर्ते में होंगे, दाढ़ी मोच रखे होंगे, ऐसी एक वेशभूषा नजर आती है, तो क्या कहेंगे इस पर? कहना तो ये है, ये देखो बचपन से कोई ना हिंदू है ना मुसलमान है ना कोई, ये तो डिजाइन बना के यहाँ से पैदा किया जाता है, ये कौन है? ठीक है, बचपन से बताओ कोई है मुसलमान या हिंदू, ये तो इंसान पैदा होगा। अभी हम लोगों ने दो लोगों से बात की, पहले सर ने ये बताया कि हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा जो है वो राजनीतिक है, नेता लेके आते हैं, और दूसरे सर ये बता रहे थे कि बचपन से कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होता। अभी मैं आपको मस्जिद का भी दर्शन कर मंदिर में आपको दिखा चुकी हूँ, ये मस्जिद है और ये कबीर जी मजार है, ये मजार है और ये वही मतलब मैं ये कहूँ कि आज भी इस चीज़ को देख के वो पूरे इतिहास को याद किया जा सकता है कि ये 500 साल पहले झगड़ा हुआ था और कबीर जी की जो लाश थी उसके लिए हिंदू लोग झगड़ा कर रहे थे कि मैं जलाना चाहता हूँ और मुसलमान झगड़ा कर रहे थे मैं दफनाना चाहता हूँ। जाने से पहले वहाँ एक दो गुलाब के फूल मिले थे और एक गुलाब का फूल हिंदुओं ने ले लिया था और एक गुलाब का फूल जो है वो मस्जिद में रखा गया था, मजार में रखा गया था। यहाँ मुझे मुझे ये आपसे पूछना है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम खादिम हुसैन अंसारी है, मैं का पुश्तैनी मतवल्ली हूँ, मेरे इसके 3 साल पहले मेरे वालिद साहब से देहांत होने के बाद इसमें मतवल्ली से मनी वाला हूँ। आप मतलब पुश्तैनी ये रिवाज चल रहा है, मुझे ये बताइए कि जब यहाँ पे कोई दर्शन करने आता है तो क्या उसमें भेदभाव नजर आता है, जैसे जो हिंदू हैं वो मस्जिद में आने से परहेज करते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, जो यहाँ आता हो कबीर का होके आता है, कबीर में होके आता है, और जो यहाँ मजार में माथा टेकता है वो समाज में मंदिर में भी जाता है माथा टेकता है, जो पहले वहाँ आते हैं माथा टेकते हैं वहाँ मजार में भी आते हैं माथा टेकते हैं। कैसा लगा, मतलब अगर मैं आपसे कुछ इतिहास पूछूँ कि
क्यों बना ये मंदिर, क्या रही इसकी इतिहास, क्या रहा है इसका? आप जो पूछे कि मुझे जो जानकारी है मैं उसे जरूर बताऊंगा, सच सच बताऊंगा। बताइए क्या मंदिर, ये मस्जिद या मजार ये जो है उसकी इतिहास क्या है, कहानी क्या है? ये 500 वर्ष पहले जब यहाँ सूखा पड़ गया, कई साल तक अकाल पड़ गया, तराई तराई मच गई, तो किसी ने कहा कि कबीर नाम के सूफी संत फकीर हैं जो बनारस में रहते हैं, अगर वो बनारस से आ जाएँ यहाँ पे आए और यहाँ पे दुआ आशीर्वाद दें तो यहाँ बारिश हो सकती है। तो हमारे पूर्व से नवाब अली बिजली साहब जिनकी मजार शरीफ बाहर बनी हुई है, हरा मजार, इस पर लिखा हुआ है कि कबीर साहब को काशी से लाने वाले नवाब अली बिजली साहब हैं, वो गए और बनारस से लाए यहाँ आए और अंतिम 2 वर्ष तक मोहल्ला क्रम कबीर में रहे, जिस मकान में मैं रह रहा हूँ, और उसके बाद वहाँ जो बच्चे पैदा होते थे वो मर जाते थे, जीवित नहीं बचते थे, मोहल्ला वीरान था। तो कबीर साहब ने कहा यहाँ बारिश तो हो गई लेकिन बच्चों की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है, तो लोगों ने कहा बच्चे पैदा होते हैं मगर वो जीवित नहीं बचते हैं, इसके लिए दुआ किया जाए। तो दुआ की आशीर्वाद दी, आज वो मोहल्ला आबाद है, बहुत घना मोहल्ला हो गया, मोहल्ला करम कबीर के नाम से ही मशहूर है, इस मोहल्ले में मैं रह रहा हूँ। क्या नाम बताया आपने? खादिम हुसैन अंसारी। नहीं, मोहल्ले का मोहल्ला करम कबीर, यानी कबीर की आशीर्वाद से करम कबीर। अगर मुझे फुर्सत मिली तो मैं उस गांव में एक बार आपको ले जाऊंगी और उस उन वहां के लोगों से भी बातचीत करूंगी मैं। अभी आइए मैं आपको और कुछ दिखाती हूँ जो इस मंदिर की और बहुत ढेर सारी विशेषता है। ये जो मजार है वो उनके बेटे की है, ये जो मजार है वो उनके बेटे की है। मैं आपको दिखाऊंगी इस मजार के बारे में भी, ये मजार उनके बेटे की है कबीर जी के। ये बताइए मुझे कि जब कबीर जी की शादी नहीं हुई तो फिर बच्चे कहाँ थे? नहीं, कबीर जी की शादी हुई थी, उनकी पत्नी का नाम लोई था, उनके 2 बेटे कमाल और कमाली थे। अच्छा, कबीर जी की शादी हुई थी जी। कहाँ की थी? कुछ लोगों को नहीं पता था, कुछ लोगों के मतानुसार की शादी नहीं किए थे, कमाल और कमाली 2 मृतक थे जिनको जिंदा किए थे, लेकिन हम लोगों का ये मानना है कि कबीर साहब शादी किए थे। तो कबीर साहब ने शादी की थी, तो यहाँ से संबंधित कबीर साहब के एक परपौत्र हैं जिनकी मजार शरीफ जिला बाराबंकी में फतेहपुर एक छोटा सा स्टेशन है, उस स्टेशन के बगल में फतेहपुर गांव है, उसी के पास मजार शरीफ है। किससे की थी शादी कबीर जी? लोई से, लोई नमक। कहाँ रहती थी वो? ये तो नहीं मालूम, नहीं पता। कुछ कहानियाँ हमारे इतिहास में हैं जिसकी बातें हमें नहीं पता है, और वो जो आप देख रहे हैं वो गुरु थे कबीर जी के, और उन्होंने ही ये वो इंसान थे जिन्होंने कबीर जी को यहाँ लाया था। और इनका अगर मैं ये कहूँ तो ये कुछ बहुत अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये वही इंसान है जिन्होंने इस मगहर मंदिर को बनाने का पूरा श्रेय अगर मैं कहूँ तो इन्हीं को जाता है, क्योंकि इन्होंने ही कबीर जी को यहाँ लाया था। आगे मैं कुछ लोगों से भी बात करती रहूँगी और जो संत कबीर नगर की विशेषता है वो लोग आपको बताते रहेंगे। भारत एक नई सोच को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और आप तक वीडियो जल्दी से जल्दी पहुंचे, इसलिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।